आढ़तियों व राइस मिल मालिकों ने सरकार के खिलाफ मार्केट कमेटी कार्यालय के प्रांगण में जमकर रोष प्रदर्शन कर नारेबाजी की। चीका अनाज मंडी में धान न खरीदने को लेकर आढ़तियों व राइस मिल मालिकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का बिगुल भी बजा दिया है। आढ़ती सरकार की बेतुकी नीतियों में किसान के धान की डेयरी का प्लेटफॉर्म पर गिरने से पहले मार्केट कमेटी से रजिस्ट्रेशन करवाने की लगाई गई शर्त को लेकर आढ़तियों को हड़ताल पर उतरना पड़ा। प्रदर्शन करने वालों में दोनों राइस मिल एसोसिएशन अध्यक्ष हंसराज सिंगला, सूरज भान सिंगला, मंडी अध्यक्ष जयपाल गर्ग, ज्ञान गोयल, रतिराम, सुरेश प्रजापति, मुकेश गोयल, राजकुमार जाखोली, राजू सिंगला, शिषपाल जिंदल, रल्दूराम, सोहन लाल आदि मौजूद थे। राइस मिल एसोसिएशन अध्यक्ष हंसराज सिंगला ने कहा कि धान का सीजन पूरे यौवन पर है और सरकार राइस मिल मालिकों, आढ़तियों व किसानों के लिए हर रोज नई से नई समस्या पैदा कर रही है, जिससे धान का सीजन ठप होता नजर आ रहा है। खरीदारों की हड़ताल के चलते किसान अपनी धान की डेयरियों पर बैठे खरीदारों की बाट जोहते रहे, लेकिन न तो कोई भी प्राइवेट खरीदार पहुंचा और न ही सरकारी एजेंसियों का कोई भी नुमाइंदा। सिंगला ने कहा कि सरकार अपने अड़ियल रवैये से बाज आए, नहीं तो व्यापारियों और किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ता नजर आएगा और फिर सरकार को अपने आदेशों को वापिस लेना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक गत वर्षों की तर्ज पर धान की खरीद नहीं की जाती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी और कोई भी राइस मिल मालिक धान की खरीद तो क्या धान की डेयरियों के बीच भी नहीं जाएगा। इस संबंध में एसडीएम शशि वसुंधरा से बात करनी चाहिए तो वह मीटिंग में थी, जिसके चलते उनसे इस संबंध में कोई बात नहीं हो पाई। जबकि परचेज सरकार ने 25 तारीख से परचेज के आदेश किए हुए हैं, अभी तक भी कोई सरकारी अधिकारी पैडी परचेज के लिए मंडी में नहीं पहुंचा। आज ही हमें अखबार के माध्यम से पता लगा है कि सरकारी ट्रेडिंग के चक्कर में है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी यदि सरकार ने? जब तक ये जो ये काला कानून थोपे आढ़तियों के पास और ऊपर और राइस मिलर के ऊपर, जब तक इसको वापस नहीं देगी सरकार, हम जब तक कोई धान नहीं खरीदेंगे ना बेचेंगे। जो ये कानून लागू किया है ई ट्रेनिंग के बारे में, उसके बारे में हमने हड़ताल की है मंडी सारी ने और सेलर वाले ने। इतना ये काम सरकार नहीं ठीक कर दी, इतना हम हड़ताल पर रहेंगे। अगर सरकार ने अपनी मांगें नहीं मानी तो अगली क्या रणनीति रहेगी? निश्चित काल में हड़ताल रखेंगे जी, इतना वो हमारे फैसला नहीं कोई करेगी, इतना हम हड़ताल रखेंगे। अभी तक मंडी में गोरमी की खरीद शुरू नहीं हुई, पता लगा था अभी 25 तारीख से खरीद शुरू होगी, लेकिन अभी तक कोई ढेरी नहीं बिकी और ऑनलाइन का गोरमी ने तानाशाही लागू कर दिया है मामला, कि इसके विरोध में यहाँ सारी मंडी इकट्ठी है और जब तक सरकार अपने आदेश वापस नहीं लेती ऑनलाइन के और मंडी में सुचारू रूप से गवर्नमेंट की खरीद शुरू नहीं होती, तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी।